करण कुंद्रा ने अपने लिए सपनों का घर खरीदा, तो क्या इसी घर को खरीदने के लिए उन्हें बेचनी पड़ी है अपनी कार? क्या है सच, हो चुका है इसका खुलासा, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वल आपको बता दूं कि हाल ही में करण कुंद्रा दरअसल रिक्शे से उतरते हुए स्पॉट किए गए, और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर गया और ये वीडियो जो है वो तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। हमने तेजस्वी प्रकाश को देखा था, जब तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा दोनों ही तेजस्वी के लिए गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर मीडिया से जब इंटरेक्शन हुआ था तो बाद में करण कुंद्रा ने एक बात कही थी कि 1 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए रिक्शे में सिर्फ तेजस्वी ही आ सकती है। लेकिन अब खुद करण कुंद्रा जो हैं वो रिक्शे से उतरते हुए जो है वो स्पॉट किए गए। अब आपको बता दें यहाँ पर कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो सोशल मीडिया पर उनके फैंस अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो देखा गया है तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से करण जो है वो हर चीज़ को मस्ती मजाक में कहते हैं, कुछ हिंट्स पास करते हैं और हर चीज़ को फैंस के साथ में मस्ती करते रहते हैं, वैसे ही उनके फैंस ने उनके साथ में भी मस्ती की है। जी हाँ, दरअसल जैसे ही ये देखा गया कि रिक्शे से करण कुंद्रा उतरे हैं और उन्हें स्पॉट किया गया है, वो भी एक इवेंट के लिए, तो वहाँ पर उनके फैंस जो है इनबॉक्स में यानी कि जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर ही कहते नज़र आ रहे हैं कि लगता है कि आलीशान जो घर है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया है, और जिसकी वजह से करण कुंद्रा को अपने घर की एक नहीं बल्कि दोनों की दोनों गाड़ियाँ बेचनी पड़ी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि खुद तेजस्वी ने इस बात को डांस दीवाने जूनियर पे कहा था कि करण के पास एक नहीं बल्कि दो दो गाड़ियां हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। लेकिन इस बार करण कुंद्रा जब रिक्शे से उतरे तो उनकी इन्हीं सब बातों को दोहराया जा रहा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक फिल्म विंडो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचते रहें ऐसे ही सारी खबरें ऑनलाइन।